बिश्नाह विधानसभा के लोगों द्वारा पीडीडी ऑफिस जम्मू में किया गया धरना प्रदर्शन। उनकी मांग थी कि उन्हें बिजली पूर्णता रूप से नहीं मिल रही है, जिससे उन्हें बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने मांग की कि अगर बिजली की पूर्ति ना हो सके तो वे धरना प्रदर्शन करेंगे। जो प्रॉब्लम है वो लेके जहाँ आए थे हम चीफ साहब के पास, लेकिन चीफ साहब ने हमारी सुनवाई नहीं की। इन्होंने अपने एक्शन की सुनी और जे की सुनी। हमने कहा कि जो जे वहाँ का जे है वो अपनी मनमानी करता है। हम कहते हैं कि जब जे काम नहीं कर रहा ऐसे करो, कहता हम सरपंच को नहीं सुनेंगे, बिल्कुल नहीं सुनेंगे, हम अपनी मनमानी करेंगे। हमने कहा कि अगर गवर्नमेंट इतना पैसा खर्च किया है, मोदी जी कहते हैं कि हर मतलब गाँव तक जो है विकास होना चाहिए। सरपंच की इलेक्शन इसलिए हुई, पंचों की इलेक्शन इसलिए हुई है। प्रॉब्लम क्या होगी आपको? हमारी प्रॉब्लम है हमारे इलाके में 12 दिन हुआ एक ट्रांसफॉर्म सड़े हुए। हमने जेई को फोन किया, एक्शन साहब को भी फोन किया, चीफ साहब के पास आए हैं, इन्होंने हमें बिल्कुल नकार दिया। उसके बारे में बोले नहीं है कि ट्रांसफॉर्म लगना है या नहीं लगना। कौन सी जगह का ट्रांसफॉर्म? वो ट्रांसफॉर्म है हमारा इधर गाँव चकड़ा में। फिर हमने जितनी भी हमारे इलाके की सारी प्रॉब्लम थी, आज 4 महीने हुए पोलों से तार उतारी हुई है, वो भी नहीं लगा रहे हैं। क्या करते हैं जी की जगह लाइन लग रही है, 5 तारें पुरानी लगा रहे हैं। हमने चीफ साहब से कंप्लेन की, चीफ साहब कह रहे हैं हम पुरानी तार लगाते हैं। सर क्यों लगाते हैं पुरानी? जब पोल लगते हैं वहाँ मिट्टी और रेता डाल के इन्होंने आज पोल लगाते हैं, तीसरे दिन पोल इनका गिर जाता है। एच डी का पोल गिर रहा है। कितना गांव है और कौन सा गांव है? हमारे उधर इलाके में कम से कम 15-20 गांव हैं जिनका वो जेई है। किसी की जितने हमारे करियार का समय है इनसे हमने झगड़ा किया है, हमारे साथ झगड़ा किया है। अतनाल वाणी जितने भी जो हमारे सरपंच हैं सभी से वो कहता है कि मैं किसी नहीं मानता, मैं अपने